नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जो रिकमेंड आया है वो टोटल 876 वैकेंसीज है। बहुत सारा वैकेंसीज है जिसके लिए MSW, स्टोर कीपर, साथ ही साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट का भी आपको जॉब यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जॉब के पूरा इन्फॉर्मेशन, जॉब का नोटिफिकेशन, जॉब का अपडेट्स, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन, सैलरी पैकेज, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। लास्ट में कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी डिटेल्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसी तरीके से जॉब के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में फटाफट जाकर सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज की जो जॉब है वो देखा जाए तो वो टोटली बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिकमेंड किया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 876 वैकेंसीज है, जिनमें देखिए अलग अलग पोस्ट है। जैसे स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 377 पोस्ट है, जिसके लिए आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है 19,900 से 63,200 तक सैलरी पैकेज। और मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर के लिए आपको पोस्ट है, इंजन ड्राइवर के लिए वो 499 टोटली जॉब वैकेंसीज है, और 18,000 से 56,900 तक आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 876 है, और टोटल जो स्टोर एज लिमिट जो होगा यहाँ पे, जो स्टोर कीपर का टोटल टेक्निकल जो एज लिमिट होगा 18 से 27 ईयर्स तक। और MSW पोस्ट के लिए, मतलब MSW मतलब आप सभी जानते हैं मल्टी स्किल वर्कर के लिए, आपको टोटल वैकेंसीज का डिटेल्स तो पता चल गया। अभी एज लिमिट जो होगा वो 18 से 25 ईयर्स, मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं तो 18 से 27 ईयर्स तक की आपको एज लिमिट पीरियड दिया गया है। तो इसके लिए आपको सिलेक्शन होने के लिए PET देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। मतलब पहले आपको PTET देना होगा, मतलब कुछ ऑनलाइन कुछ टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल, उसके बाद रिटन, उसके बाद आपको प्राइमरी मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। और देखिए इस एप्लीकेशन को करने के लिए आपको 15 रुपीज़ पे करना होगा, और वो भी OBC जनरल, EWS के और एक सर्विसमैन के लिए। SC ST के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सैलरी पैकेज तो हम पहले में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे सैलरी पैकेज पूरा डिटेल्स में दिया गया है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन क्लास आप पास आउट कर चुके हैं, तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट रहेगा वो 11 जून, उससे पहले आपको, सॉरी 11 जुलाई, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो लास्ट डेट जरूर याद रखना, और यहाँ पे एड्रेस जो दिया गया है इस एड्रेस में आपको फॉर्म को जो है आपको भेजना होगा। तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा उसको दिखाने से पहले मैं जरूर कहूँगा, अभी तक आप देर किस बात के लिए कर रहे हैं कि टेलीग्राम आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जॉब का इन्फॉर्मेशन और जो प्राइवेट जॉब है उसको भी डालता रहता हूँ, साथ ही साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा, सॉरी इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन के सारे जानकारी आपको मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन में जब क्लिक करेंगे आपके सामने इस फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट करिए। प्रिंट आउट करने के बाद आप जिस तरीके से फोटोज यहाँ पे मांगा गया है उस तरीके से फोटो यहाँ पे आप, सॉरी यहाँ पे फोटो आप डालिए, उसके बाद इस फॉर्म को पूरा के पूरा भेज दीजिए जिस एड्रेस में आपको पहले दिखा चुका हो। तो एड्रेस में फिर से आपको मार्किंग कर दे रहा हूँ कि इस एड्रेस में आपको भेजना होगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, अभी तक अपने GK चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट जॉब लेके तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।